हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप सभी को मैं बता दूं, हम मकराना मार्बल की बेस्ट क्वालिटी के ऊपर वीडियोस लाते हैं, जिसमें अलग अलग क्वालिटी कुमारी मार्बल, डूंगरी मार्बल, चकडूंगरी मार्बल, अल्बेटा मार्बल। तो आज की वीडियो होने वाली है हमारी अल्बेटा मार्बल, जो कि बहुत ही प्रीमियम रेंज का मटेरियल होता है मकराना का। अल्बेटा मार्बल में भी बहुत सारी रेंज चलती है 200 से लेके 1500 रुपीज तक, बट जो आज की मैं जो स्लैब दिखाने वाला हूँ बहुत ही रेयर स्लैब होती है। 100 स्लैब में से सिर्फ सिंगल स्लैब होती है जिसकी इतनी अच्छी क्वालिटी निकलती है। वो किस लिए है वो आपको मैं स्लैब दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप देख सकते हो मैंने दो पीस डिस्प्ले कर रखे हैं, जिसमें आप देख सकते हो बिल्कुल शार्प लाइनिंग है, बिना वाटर अप्लाई किए आपको लाइनिंग दिख रही होगी। ये देखिए बहुत ही क्लियर लाइनिंग आपको देखने को मिल रही होगी इसमें। ये विदाउट वाटर विदाउट पॉलिश मटेरियल है। अगर अपन स्लैब की साइज की बात करें तो 6.3 इसकी लेंथ है, 2.3 फीट इसकी हाइट है, और क्वांटिटी की अगर अपन बात करें तो टोटल 1800 स्क्वायर फीट इसका मेजरमेंट होने वाला है। आप देख सकते हो कंप्लीट जो लोट है वेल ड्रेस है, कंप्लीट जो लोट है, सिर्फ लास्ट के 2 या 3 पीसेस होंगे जिनका मेजरमेंट कम होगा, बाकी सिमिलर लाइनिंग सिमिलर पैटर्न देखने को मिलेगा। मैं अपनी तरफ से चारों तरफ से आपको दिखा देता हूँ, चारों साइड से दिखा देता हूँ कि कोई भी इसमें छोटा पीस नहीं है, वेल ड्रेस लोट है। ये देखिए अब पानी लगाने के बाद आपको इसका लुक समझ में आएगा, तो मैं वाटर अप्लाई करके आपको इसका लुकिंग भी दिखा देता हूँ। ये देखिए बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की रेंज के अंदर मटेरियल है ये। ऐसा मटेरियल हर बार नहीं आता, मेरे पास भी बहुत रेयर देखने को मिलता है ऐसा मटेरियल। ग्लेज आप देख सकते हो कितना शानदार ग्लेज आ रहा है, ये देखिए। और ऐसा लग रहा होगा कि जैसे मैंने इस पे पॉलिश कराया हो, ये देखिए, बट ये पॉलिश नहीं है, विदाउट पॉलिश मटेरियल है ये, और लाइनिंग बिना वाटर अप्लाई की आपको दिख रही है, ये देखिए। बात करते हैं क्रिस्टल की, तो बहुत ही ज्यादा फाइन क्रिस्टल है। मेरे पास ऐसे लोट रेयरली आते हैं, बहुत ही रेयर आते हैं, क्योंकि इतनी शार्प लाइनिंग हर किसी मटेरियल में नहीं मिलती, ये देखिए। और जो पॉलिशिंग भी आएगी इस पे बहुत अच्छी पॉलिशिंग आने वाली है, ये देखिए। इसकी ये जो लाइनिंग है बिल्कुल स्ट्रेट लाइनिंग है, और ये जो है हल्का सा इसका फिगर टाइप में बनेगा, आप देखोगे तो 4 पीस का एक फिगर बन जाएगा। तो इस तरह के लोट बहुत ही रेयर आते हैं, क्योंकि लाइनिंग बहुत से में आती है, इतनी शार्प लाइनिंग अल्बेटा के बहुत ही रेयर स्लेब में आती है। मेरे पास पूरे गोडाउन पे सिंगल स्लेब है जिसमें इतनी शार्प लाइनिंग हो, जिसमें हल्का सा फिगर भी बनता हो, जिसकी व्हाइटनेस भी अच्छी हो। तो अगर ये लोट आपको पसंद आया हो तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, गोडाउन पे विजिट करके भी ले सकते हो। मेरा गोडाउन जो है मेन मकराना में, आप देख सकते हो, मैं आपको बोर्ड दिखा देता हूँ। मेरा काना मार्बल के नाम से मेरा गोडाउन है, मेरे गोडाउन के सामने माइंस है, इसी वजह से मैं माइंस की दिखाऊंगा आपको, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो ये तो हुई स्लैब की बात, मेरे पास सिर्फ मकराना मार्बल मिलता है, और हमेशा मैं वीडियोज दिखाता हूँ जब भी कस्टमर का मटेरियल लोड होता है, कस्टमर को कैसा फील होता है मटेरियल लोड होने के बाद। बहुत से यूट्यूब चैनल्स है मटेरियल लोडिंग बहुत दिखाते हैं, डेली मार्बल का लोडिंग दिखाते हैं, बट कस्टमर फीडबैक कहाँ है उनका, कोई फीडबैक नहीं है, क्योंकि बहुत से ऑनलाइन ब्रोकर्स अवेलेबल है जो चीटिंग करते हैं, फिलिंग का माल सेल करते हैं। तो आप चलते हैं माइंस की तरफ। ये जो आप मशीन देख रहे हैं, इस मशीन के थ्रू ही मार्बल को निकाला जाता है। बहुत से लोगों को बताया जाता है कि मकराना में माइंस बंद हो चुकी है, उसमें मार्बल नहीं निकलता, तो आप देख सकते हो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वीडियो आज की वीडियो है जिस टाइम मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और प्रेजेंट टाइम पे ये माइंस रनिंग है। 1000 से ज़्यादा मकराना में माइंस स्टार्ट है, जिसमें सभी क्वालिटी का मार्बल निकलता है, ये देखिए। और आपको अगर प्रूफ देना है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि नीचे एक JCB है, नीचे आपको वर्कर्स भी दिखेंगे जो मार्बल को निकालने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये देखिए। माइंस डीप होने की वजह से 500-600 फीट डीप होने की वजह से बड़ी साइज नहीं आती, आपको छोटी साइज में ही मार्बल देखने को मिलता है, 5x4, 4x2, 6x4।
इसलिए मकराना मार्बल की साइज छोटी रहती है क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप चल चुकी है माइंस। और ये जो आप माइंस देख रहे हो ये मेरे गोडाउन के बिल्कुल सामने माइंस है, आप देख पा रहे हो, ये मेरा गोडाउन का बोर्ड है बाना मार्बल्स जो कि मेन रिको इंडस्ट्रियल मकराना में आता है। हमारा गोडाउन 30 साल से है जिसमें हम ओनली मकराना मार्बल में डील करते हैं। तो आप चलते हैं वापस स्लैब के ऊपर। तो जैसा कि आपने माइंस देखी, अपना खुद का प्रोसेसिंग है, बेस्ट प्राइस में बेस्ट मटेरियल आपको मिलेगा और हमारा गोडाउन 30 साल से ट्रस्ट के साथ काम करते हैं बिना चीटिंग। आज तक सिंगल कस्टमर नहीं है जिसके साथ मैंने चीटिंग की हो, क्योंकि मैंने इज्जत कमाई है, फ्रॉड नहीं कमाया है। तो आपको भी अगर अच्छा मटेरियल लेना है तो मेरे से ज़रूर कॉन्टेक्ट करें। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।